क्या आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहे, ब्लड प्रेशर की दिक्कत ना आए, तो आपको कुछ कामों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका ब्लड प्रेशर कोई भी बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज़ है नमक। नमक आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। नमक की मात्रा जो है वो कंट्रोल करें, या सेंधा नमक लें। ये जो आप बाजार से आयोडीन वाला नमक या दूसरे नमक लेके आ रहे हैं फ्री फ्लो वाले, जरूरी नहीं है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छे हों। इनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तक कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं, जैसे आपको आयोडीन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती आयोडीन लेने की ज़रूरत क्या है? आपकी बॉडी में क्या आयोडीन की कमी बताइए किसी ने, जो आप आयोडीन वाला नमक यूज़ कर रहे हो। तो आपको सेंधा नमक लें, वो पहाड़ी नमक है, कुदरत के द्वारा बनाया गया नमक है, वो नमक लो, आपके शरीर के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़, चाय या कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी ये समझ लो आप अपने शरीर में जहर डाल रहे हो। ये एसिडिटी पैदा करती है और अंदर से आपके जो लिवर को कमज़ोर करने का काम करती है, जिस वजह से धीरे 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 हाई बीपी होना निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तेज मसाले भी आपको अत्यधिक उत्तेजित कर रहे हैं, और जो चीज़ उत्तेजना पैदा कर रही है वही एसिडिटी पैदा कर रही है, और अपने आप ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। जो आपकी नसें हैं, जो आपकी धमनियां हैं, जिनमें से ब्लड आपके शरीर में जा रहा है, वो धमनियां, वो नसें टाइट होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जो आपके शरीर में तनाव पैदा करता है, नसों को टेंस कर देता है। उनमें से ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ गुजरता है, जिस वजह से आपका बीपी हाई हो रहा है। तो उन नसों को लचीला, नरम, कठोर ना हो वो नसें, रखना ज़रूरी है। इस वजह से तेज मसाले उसके ऊपर घातक असर करते हैं, या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, शराब हो गया या मादक द्रव्यों का इस्तेमाल हो गया, ये आपके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। आपकी बॉडी में जो माहौल है वो एसिडिक करता जा रहा है, नसों को टेंस करता जा रहा है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और जब तक आप टेंशन लेना नहीं छोड़ेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस 100% रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा सही रहे, तो एक तो जीवन शैली को ठीक करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, कि आप उतना नमक यूज़ करें जितना ज़रूरत है, मसाले ज़्यादा ना इस्तेमाल करके नॉर्मल मसाले यूज़ करें, चाय कॉफ़ी बंद करके शराब या इस तरह के मादक द्रव्यों का इस्तेमाल ना करें, और जीवन को टेंशन फ्री बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जीवन को टेंशन हमने दे रखी है, हमने इतनी चीज़ें अपने ऊपर उड़ेल रखी हैं, जिस वजह से हम जीवन को खराब जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें कंपटीशन लड़ने की, हमें ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दूसरों के साथ अपने आप को बराबरी पर लाने के लिए या उनसे आगे निकलने की जो दौड़ है, वो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। मिलना तो हमें मुकद्दर का ही है, लेकिन खाम खां की जोर लगाकर हम उनमें से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हम आगे नहीं बढ़ पाते, जिस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है, खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है, और हम अंदर से तने तने रहते हैं। रात को भी सोचते हैं, दिन में भी सोचते हैं, दोपहर में भी सोचते हैं, 24 घंटे सोचने की मशीन बने हुए हैं। तो हमें बुद्धम शरणम गच्छामि, हमें परमात्मा का नाम लेना, हमें ईश्वर पर सरेंडर करना, हमें प्रकृति को अपने आप को सौंपना, हमें योगा, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब भूल गया, एक्सरसाइज भूल गई, और हम दूसरी दौड़ में शामिल हो गए। और जब दौड़ में हार जाते हैं, तब समझ आता है कि अब तो उम्र हाथ से निकल गई, काम खराब हो गया। तो अगर आप अपने जीवन को सादा जीवन, उच्च विचार और सीमित भोजन, नियमित व्यायाम करेंगे, तो ही ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रह सकता है। वरना आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी कर लो, यहाँ तक कि आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खा लो, उससे भी समाधान नहीं होगा। दवाई छोड़ोगे फिर ब्लड प्रेशर शूट करेगा, और यहाँ तक कि ये आपके अंगों को ख़राब कर देगा। अगर ब्लड प्रेशर आ गया तो ये समझ लो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपके अंग कमज़ोर पड़ना शुरू हो सकता है, आपको ब्रेन पे भी असर हो सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर पहली सीढ़ी है, इसको रोकें, इसको आप अपने जीवन को संतुलित करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये निषेध है, इनको मत यूज़ करो, उनको छोड़ दो, और जीवन को सादा जीवन, उच्च विचार करके, सीमित भोजन, नियमित व्यायाम करके आप अपने जीवन को साधारण ज़िंदगी जियो,
तब आप इस नामुराद बीमारी से बच सकते हो, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता।